तो हेलो वेलकम यार, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब बड़े डूइंग ग्रेट। ये हैं वो के लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर 352 एंड अमेजोन पे 2 से 3 दिन पहले लॉन्च हुए थे एंड हमारे पास ये आए थे कल रात में। मुझे नहीं पता अमेजोन की डिलीवरी पिछले कुछ दिन से काफ़ी पैथेटिक हो गई है। कोई भी ऑर्डर टाइम नहीं आ रहा है एंड जो आ रहे हैं वो भी लेट नाइट नियरली 10, तो वो टाइम वीडियो बनाने का नहीं होता। तो चलिए अब इनको अनबॉक्स करते हैं, अनपैक करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट है एंड अगर आपको पसंद आए तो आप नीचे दिए गए लिंक से। तो गाइज ये बॉक्स है एंड ऊपर से आप देख सकते हैं थोड़ा फटाफटा है बट ये वाला लेबल सेफ है, तो आई थिंक प्रोडक्ट भी अंदर सेफ भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे ओपन काइंड ऑफ प्रोडक्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। तो काफ़ी सारा कागज़ यहाँ पे दिया गए हैं। ये हैं स्टोन 352, बोल्ट ने चुपके चुपके लॉन्च किए हैं एंड ये लॉन्च हुए थे जो है बोट के ईयरफोन्स के साथ। तो चलिए चेकआउट करते हैं। पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट दी गई है एंड मैंने स्टोन के ईयरबड्स लाइक स्पीकर आप बोल लीजिए ये 300 सीरीज फर्स्ट टाइम परचेज की है। तो आपको क्या क्या मिलता है, एक ऑक्स केबल मिलेगी, एक USB टू माइक्रो USB केबल अभी के टाइम पे 2022 में, तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। तो यही आपको मिलता है प्रोडक्ट के बॉक्स में और कुछ नहीं है एंड चलिए प्रोडक्ट पे। तो गाइज स्टोन 352 आपको दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं आप एंड इवन जो यहाँ पे बूफर वाला सिस्टम दिया हुआ ये भी अच्छा है। बटन्स बोल लूँ तो बटन्स क्लिकेबल हैं। देन यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएंगे, आपका SD कार्ड, चार्जिंग एंड ऑक्स पोर्ट, तो ये पोर्ट दिए गए हैं। देन ये पावर ऑन एंड ऑफ बटन है, छोटा है बट काफ़ी हैवी है, दिखता है कि हाँ काफ़ी अच्छे ढंग से काम किया हुआ है बोट ने इन स्पीकर्स पे। तो जो बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा अच्छे हैं, बटन थोड़ा और क्लिकेबल हो सकता था, तो ये चीज़ है। टाइप सी पोर्ट यहाँ पे मिसिंग है, वो मैं इसकी डिसएडवांटेज मानूंगा। फीचर्स पे आते हैं तो ये आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप दे सकते हैं विद 60% वॉल्यूम लेवल। देन IPX7 है, 10 वोट के स्पीकर हैं, 5.0 एंड TWS कनेक्टिविटी, मीन 2 352 लेके आप अपने फ़ोन के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है, चलिए हम इसको करते हैं आपका कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए गाइज हमने इसको ऑलरेडी ऑन किया हुआ था एंड ऑन करने के बाद 352 ऑलरेडी फोन में ऑप्शन आ रहा है। तो गाइज हमने बोट स्टोन 352 का अनबॉक्सिंग कर लिया एंड अनबॉक्सिंग के अलावा थोड़ा और टेस्ट भी मैंने परफॉर्म किए हैं, लाइक इसका बेस का टेस्ट, देन कूलिंग क्वालिटी के लिए एंड थोड़ा अदर थिंग्स भी यहाँ पे टेस्ट आउट किए। तो चलिए वन बाय वन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ और बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कैसे फील होते हैं। तो गाइज ये हैं काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाले ब्लूटूथ स्पीकर जो आपको हाथ में लेने से ही पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी तरह से ये बिल्ड है। तो चाहे इसका टच कंट्रोल हो, वॉल्यूम रॉकर्स लाइक वॉल्यूम कंट्रोल हो, चाहे अदर थिंग्स हो, तो सब कुछ सॉलिड फील होती है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज मैं इसको 9.5/10 दूंगा, काफ़ी अच्छी बिल्ड है। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बोट ने यूज़ किया है। अदर देन दैट जो मेन फीचर है, जो मेन थिंग है, ये है इसकी साउंड क्वालिटी एंड ये आपको मिलते हैं 10 वोट के स्पीकर्स के साथ। तो कितनी अच्छी साउंड है, क्या ये दूसरे स्पीकर से ज़्यादा है, कम है, बेस की क्वालिटी कैसी है, तो मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको रिच बेस सुनाई देगा। मैं आप कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। देन मैं कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यहाँ पे प्ले करूँगा, तो आप वहाँ से सुन के एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का म्यूज़िक यहाँ पे सुनाई दे रहा है इस इन स्पीकर से।
फुल वॉल्यूम थी, सैमसंग का फ़ोन था, डोल्बी एटमोस मैंने ऑन किया हुआ था, इवन दो ये सपोर्ट नहीं करते तो हाँ स्लाइटली वो इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। कंपेयर टू 10 वोल्ट स्पीकर्स आपको काफ़ी अच्छी साउंड मिल जाती है, वॉल्यूम लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, इवन जो बेस है वो ठीक है, बोलूँगा नहीं ज़्यादा अच्छा है बट हाँ ठीक है, कुल मिला के कंप्लेन नहीं होगी। एंड अगर आप बोले लाइक ये IPX7 है तो आप थोड़ा बहुत वाटर वगैरह डाल के इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, मैंने कागज़ वगैरह डाले जिससे टेस्ट हो, तो स्टिल अच्छी चीज़ यहाँ पे है। देन वन ऑफ द मेन हाईलाइट ये है इन स्पीकर्स के कि ये आते हैं आपकी 12 आवर्स की बैटरी बैकअप के साथ, इवन दो वो 60% पे है, 100% भी यूज़ करेंगे तो 12 का 7 आप मान लीजिए 7 घंटे भी ये आपको दे रहे, That resolution is unavailable in this mode. देन Adios, amigo. Powering on. अगर मैं साउंड क्वालिटी की ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो साउंड क्वालिटी वाइज वॉल्यूम लेवल वाइज मैं इनको 9 मार्क्स दे रहा हूँ, बेस वाइज 8.5 मार्क्स दे रहा हूँ, तो ये है। देन अगर स्पीकर्स की जो है माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन ना ही हम इंक्लूड करें इस रिव्यू में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप कॉलिंग चाहते हैं अपने ब्लूटूथ स्पीकर से तो ये ऐसे नहीं है कि जिनसे आप कॉल अटेंड कर पाएँ, क्योंकि कॉलिंग के लिए जो स्पीकर माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो पैथेटिक है, काफ़ी लो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे आ रही थी एंड डिस्टरबेंस हद से ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। Incoming call. तो फॉर कॉलिंग गाइज मैं नहीं बोलूँगा कि ये हैं। देन हाँ डेफिनेटली फॉर सिंगल पर्सन टू पर्सन म्यूजिक के लिए डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं टीटल बेस कनेक्टिविटी तो 2 परचेज कीजिए, एक रूम के इस कॉर्नर में एक दूसरे कॉर्नर में, एंड प्ले कीजिए इनकी साउंड, तो फॉर दैट रीज़न आप इनको परचेज कर सकते हैं। मैं कितना रिकमेंड करूँगा इनको आउट ऑफ 10, तो मेरी रिकमेंडेशन है 7.5। आप मुझे बताइए कि आपको ये स्पीकर्स कैसे लगे, वॉल्यूम साउंड एंड अदर फीचर्स इनके कैसे हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।